चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जो हमारा VFD होता है। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जो VFD होता है तो उसका पावर सप्लाई कहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, और ओवरव्यू में सब कुछ बताऊंगा। पावर का इनपुट कहाँ लेते हैं, आउटपुट कहाँ लेते हैं, DC का इनपुट कहाँ लेते हैं, ठीक है, जो हमारा DC वोल्टेज है, DVR का कनेक्शन कहाँ करते हैं, क्या क्या है सब बताऊँगा मैं। तो आप देख पा रहे हैं एक VFD है, पावर फ्लेक्स 700 का है, ठीक है, एलन ब्रैडली का है। तो पहले देखते हैं इसका इनपुट सप्लाई कहाँ पे, सोर्स जो सोर्स है वो कहाँ देते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो है, ये जो तीनों है, मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 L1 L2 L3, ये मेरा इनपुट है। ये इनपुट कहाँ से आता है, मेरा ऊपर में 3 फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज से मेरा इनपुट आता है, ऐसे ऐसे आके ये मेरा ड्राइव में ड्राइव का इनपुट में जाता है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट AC, ठीक है, ये लिखा हुआ 6 mm हेक्सा की, मतलब 6 mm वाला जो मेरा एलेंकी है, इसमें हम लोग इसको खोल सकते हैं, ठीक है, जैसे खोल सकते हैं। तो इनपुट गया, और ये हो गया आपका बॉडी अर्थिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आउटपुट कहाँ लेते हैं, ये आउटपुट हो गया, देख पा रहे लिखा हुआ है UBW, ठीक है, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, आउटपुट जो मोटर को जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्लस DC माइनस DC, अगर मेरा जो ड्राइव में DC वोल्टेज चेक करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है, ये वही है DC प्लस DC माइनस, इसमें करीबन 560 to 580 वोल्ट DC रहता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ है जो है हमारा DVR का सप्लाई यहाँ से लेते हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, देख पा रहे आप लोग, ये जो दो केबल है, ये BR2 BR1 लिखा हुआ, यहाँ से मेरा DVR को जाता है। DVR का तो काम क्या है पता है दोस्तों, जब हमारा मोटर स्टॉप कंडीशन में आ जाता है उस टाइम में क्या है ना, ये जनरेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, रीजेनरेटिव करता है, तो उसको वो जो रीजेनरेटिव पावर को लॉस करने के लिए हम लोग DVR यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये और एक चीज़ देख पा रहे हैं आप लोग, ये कार्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग 20 Com C कार्ड। ये जो ड्राइव का कम्युनिकेशन है ना, मेरा मोटर का स्पीड कितना है, टॉर्क कितना है, करंट कितना है, ये सब हम इसको PLC के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये लगा रहता है। ये BNC कनेक्टर है, और ये देख पा रहे हैं ये 20 Com C कार्ड है, ये इसको भी कम्युनिकेशन कार्ड बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन करता है PLC के साथ, कितना टॉर्क है, कितना ये है, ठीक है। और ये देखिए ये ड्राइव कितने का है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये ड्राइव देखिए 75 किलोवाट का है, 100 HP का है, ठीक है, सब लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो है एनकोडर का रहता है, जो मोटर में एनकोडर लगा रहता है उसका जो डाटा है वो ये वाला स्लॉट में रहता है। और ये वाला जो है कार्ड जो है, ये RMIO कार्ड है, ठीक है, पता है ड्राइव में जो RMIO कार्ड रहता है, जो हमारा इनपुट आउटपुट कार्ड है, ये वही कार्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ओवरव्यू ड्राइव में इतना रहता है, और बाकी तो अंदर में जाने के लिए टाइम लगेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसके ऊपर ड्राइव के अंदर क्या क्या रहता है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ऐसे नया नया इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।